शहादत की कीमत वो जानता है जो यूनिफॉर्म पहनना है, और शहादतों का बोझ भी जानता हूँ कि जब कंधे पे अपने तो हे गाइस नमस्कार, जय श्री राम। होपफुली काफ़ी अच्छे होगे। और फ्रेंड्स अभी मैं हूँ भिलाई में, भिलाई सीसी में। तो फ्रेंड्स मैं इधर अभी इसलिए आया हूँ क्योंकि आज का जो डे है मेरे ख्याल से कि कोई भूल नहीं सकता। आज के 2019 में पुलवामा अटैक हुआ था, उस दिन को मेरे ख्याल से कोई जो होगा इक्का दुक्का जो भाई उसको याद नहीं होगा। मेरे ख्याल से इस दिन को सभी को याद है, बट हाँ कुछ लोग को याद होगा भाई 14 फरवरी वैलेंटाइन डे। बट भाई मैं तो ऐसा नहीं मानता, और आप लोग भी मत मानना, क्योंकि भाई ये जो दिन है मेरे ख्याल से कोई नहीं भूल सकता। तो उसी को लेके भाई ये जो भिलाई सीसी में जो तीन साल से कंटिन्यू ये जो चौथा साल है, तो यहाँ पर जो है श्रद्धांजलि देने वाले हैं जो उन 40 जवानों को जो कि पुलवामा अटैक में जो जितने भी जवान शहीद हुए थे। तो उसी में भाई यहाँ पर जो है 1000 बोल सकते हो, 10,000 15,000 जो है यहाँ पर दिए जलाए जाएंगे। कितना? अच्छा 1 लाख जो है दिया यहाँ पर जलाए जा रहे हैं। और उसी के साथ में भाई हमारे जो SSB के जो जवान हैं वो भी जवान यहाँ पर शामिल हुए हैं। तो वहाँ पर सभी अभी ग्रुप में सभी अभी धीरे धीरे सब SSB के जो जवान हैं सब आते जा रहे हैं। तो मैं उन लोग से तो बात नहीं करा पाऊँगा जो कि वो भी उन लोग हैं। तो जैसा भी यहाँ का भी माहौल होगा भाई मैं आपको दिखाऊँगा। तो चलते हैं, आपको बैक कैमरे से मैं जैसा भी माहौल है मैं आपको दिखाता हूँ। फ्रेंड्स ये CC वाला रोड है जो कि सेल चौक है, और इधर से जाओगे तो जस्ट ये है CC का ये पार्किंग, मतलब पार्किंग है ये। और उधर जाओगे तो भाई यहाँ पर सब लोग बहुत लोग स्टूडेंट लोग आते होंगे कोचिंग से, फिर कोचिंग के बाद यहाँ पर नन्हे या फिर कोई भी स्टॉल में आप चाय वाय पीते और बैठते हैं। फिर उसी के जस्ट बगली में जो है स्टैंड है, तो यहीं पर जो है 1 लाख दिए जो है जलाए जा रहे हैं। तो यहाँ पर सभी लोग जो भी आ रहे हैं सभी अपना जो है सहयोग कर रहे हैं। कुछ लोग अपना जो है दिया जला मतलब बाती लगा रहे, फिर कोई लोग तेल डाल रहे, सभी अपने अपने जो है सहयोग कर रहे। और वहाँ पर जो है देखो फौजी भाई लोग जो है खड़े हुए, कुछ ही देर में प्रोग्राम भी होगा कुछ, और वहाँ पर कोई भी सिंगिंग उंगी मेरे ख्याल से फौजी भाई लोग जो सिंगिंग उंगिंग करेंगे मे भी, अभी मुझे कोई आइडिया नहीं क्या होने वाला है। तो अभी बस स्टार्ट हो चुका है प्रोसेस, कुछ ही देरों में जो है दीप भी जलाए जाएंगे। उधर भी देखोगे तो उधर भी जो है फौजी भाई है, उधर भी देखोगे तो फौजी भाई अभी भी जो है आ ही रहे। देखो उस तरफ देखोगे तो गाड़ी आता ना, गाड़ी है। तो भाई थोड़ा बहुत मैं भी थोड़ा बहुत यहाँ पर भाई हेल्प कर दे देता हूँ, क्योंकि भाई ये सब काम करने भाई मेरे को दिल से काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। तो फटाफट यहाँ पर भाई मैं भी थोड़ा बहुत हेल्प करता हूँ। और भाई तू करेगा कि नहीं? तो फटाफट चलो भाई करते हैं, फिर जैसे ही प्रोग्राम स्टार्ट होगा तो उसके बाद मैं आपको मिलता हूँ। तो यहाँ पर भी जो है दीप अभी रेडी कर रहे हैं, उसके साथ ही में जो है यहाँ पर रंगोली बनाया है, तो काफ़ी प्यारा रंगोली बना हुआ है। जो कि ये दीदी लोग बने हैं काफी प्यारा लग रहा है। और ये है स्टेज, ब्लैक डे 14 फरवरी की वीर जवानों को 1 लाख दीपों से श्रद्धांजलि के साथ, 1 लाख अच्छा 1 लाख 1 दीपों के साथ श्रद्धांजलि सिविक सेंटर पार्किंग। तो बस सभी भी जो है काम चल ही रहे, कुछ ही देरों में स्टार्ट हो जाए। कुछ ही देर में जो है अभी स्टार्ट हो जाएगा प्रोग्राम। जो दुर्ग के भी जो न्यू SP है वो आए हैं अभी, और भी कोई कुछ लोग आए हैं। तो उसी के साथ में ना भाई अभी जो भैया लोग ना कैंडल दे रहे हैं, जो कि अभी कैंडल देने के बाद फिर हम लोग जाएंगे जलाने के लिए। और वीडियो में मैं कुछ बोलूँगा नहीं ना समझ आना फ्रेंड्स, क्योंकि उसमें गाना चल रहा होगा तो कॉपीराइट लगने का चांस है। भैया हम लोग देंगे पहले। अच्छा उधर सामने से फौजी भाई लोग को दे रहे हैं। आज पुलवामा शहीद दिवस है, और हम सभी लोग जानते हैं एक बहुत ही विभत्स दर्दनाक और दुर्भाग्यजनक घटना थी हम लोगों के लिए। उसकी याद में आज हम लोग यहाँ पे उपस्थित हुए हैं, और इन दीपों को जला के हम उन शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे अपनी से। शहादत
उसकी कीमत वो जानता है जो यूनिफॉर्म पहनना है। और छत्तीसगढ़ पुलिस में मैं एडिशनल एसपी नक्सल ऑपरेशन रहा सुकमा में लगभग 1.25 साल, 1 साल करीब एसपी नारायणपुर रहा और फिर एसपी सुकमा रहा, तो मैंने देखी है शहादतें। शहादतों की कीमत भी जानता हूँ और शहादतों का बोझ भी जानता हूँ कि जब कंधे पे अपने जवानों के बॉडी उठानी पड़ती है तो उसका बोझ क्या होता है, उसको एहसास है अपने को। तो मेरा बस इतना बोलना है कि हम हर साल सिर्फ शहादतों को याद ही नहीं रखें, याद रखना तो हमारा कर्तव्य बनता है और उनके प्रति श्रद्धांजलि देने के लिए भी हमारा याद रखना उनको जरूरी है जो उन्होंने अपना सुप्रीम सेक्रीफाइस किया है देश के लिए। लेकिन इससे भी बढ़कर अगर हम सिर्फ रूटीन में याद रखते हैं कि 14 तारीख आई और हमने सिर्फ दिए जलाए या श्रद्धांजलि दे दी और फिर अगला 14 को फिर याद आएगा, उससे ज़्यादा जरूरी है कि हम जो दिल के अंदर जिस चीज़ के लिए उन्होंने सेक्रीफाइस किया है उस चीज़ों को समझें और पूरे साल उस शहादत को याद रखें, उस शहादत की कीमत को याद रखें जो कीमत हम देते चले जाते हैं, तो वो सच्ची श्रद्धांजलि होती है। देश सुरक्षित रहे, देश अखंडित रहे, तब भी हमको इन 3-4 चीजों पे हमेशा एक मत एक राय रहना चाहिए, बिना किसी पक्ष विपक्ष, बिना किसी वाद विवाद के, कि देश सुरक्षित रहे, देश शांत रहे, देश अखंड रहे, यही सर्वोपरि है, यही सच्ची श्रद्धांजलि होती है हर शहादत की। और मैं उम्मीद करूंगा कि आज साथ सभी आप लोग ये दिए जलाएंगे, साथ साथ इन 3 चीज़ों को हमेशा अपने दिल और दिमाग में रखेंगे कि सबसे पहले देश है, बाकी सब उसके बाद आते हैं। थैंक यू, जोरदार तालियां। हमको कहीं भी समाज जीवन में काम करते वक्त, कहीं समाज जीवन में आते जाते वक्त इस प्रकार की घटना करने वाले संदिग्ध लोग दिखें तो वहां हमारा हौसला बरकरार रहना चाहिए कि हाँ, या तो हम प्रशासन को, पुलिस को उसकी सूचना दें, ये नहीं कि डर के मारे चुपचाप बैठ जाएं। अगर आज के दिन को हम याद करके खाली दिए जला के चले जाएंगे और ऐसी अनहोनी घटना होते रहेगी, उस समय हम मूक दर्शक बैठे रहेंगे, तो वहां भारत के सच्चे नागरिक होने का हमारा दायित्व हम जो नहीं निभाएंगे वो आज के दिन को याद करने से उसका कोई फायदा नहीं होगा। यह रखी हुई है, एक साथ दिए जलेंगे तो अच्छा लगेगा। मैं सबसे निवेदन करता हूँ अलग अलग लाइन में चले जाएं, मोमबत्तियां रखी हुई है, माचिस की व्यवस्था भी करेंगे रोहन जी। सभी जो है दूर के जो एसपी सर है वो दिया जलाएंगे और जो एसएसपी के जो फौजी भाई है वो भी साथ में जो है दिया जलाएंगे।